हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक न्यू चाइनीज फैंटेसी ड्रामे के साथ, जिसमें आपको मैजिकल इवेंट्स के साथ साथ सस्पेंस, एक्शन और रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड को, जिसका नाम जेन जियो जिंग होता है, जो कि काफी नशे में होती है। उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, क्योंकि वो अपने लाइफ के फेलियर से बहुत ज्यादा सैड होती है। उसके माँ बाप नहीं होते, उसे जिस लेडी ने अडॉप्ट किया हुआ होता है उनकी भी डेथ हो चुकी होती है। वो एक पेंटर होती है, पर वो जॉबलेस होती है। उसके पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं होते हैं, पर वो सबसे ज्यादा हर्ट इस बात से हुई होती है कि उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है। और जब वो उसे इस बारे में पूछती है तो वो तुरंत ब्रेकअप करके चला जाता है। वो इसी गम में ड्रिंक कर रही होती है, बाहर बारिश हो रही होती है, तभी वहाँ मकान मालिक आकर उससे घर का किराया मांगता है, और किराया ना देने पर वो उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। इस पर जेन नशे में ही वहाँ से जाने लगती है। वो थोड़ी ही दूर जाती है, तभी बारिश बंद हो जाती है और अचानक ही एक मैजिकल वे में एक मैजिकल हाउस बनकर उसके सामने आ जाता है। वो नशे की हालत में ही उस घर के अंदर जाती है, तो उस घर के अंदर मॉन्स्टरों की एक पार्टी चल रही होती है। वो भी उस पार्टी में शामिल होकर ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें जीतने वाले को एक मैजिकल स्क्रीन देने के लिए कहती है। सभी उस मैजिकल स्क्रीन को पाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। वो लेडी सभी की टेबल पर ड्रिंक सर्व करवाती हैं, जो उस ड्रिंक को सबसे पहले पीकर खत्म करेगा और खत्म करने के बाद होश में रहेगा वो ही विनर होगा। सभी अपने अपने ड्रिंक खत्म कर लेते हैं और विनर के अनाउंसमेंट का वेट करने लगते हैं। जेन भी अपने ड्रिंक खत्म कर चुकी होती है। यहाँ हम व्यूअर्स इस बात को नोटिस करते हैं कि दूर खड़ी एक विच उन सभी पर नजर रखे हुए होती है। तभी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाली लेडी कहती है कि आप सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, पर मैजिकल स्क्रीन ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए इस कंपटीशन में कोई भी विनर नहीं है। ये बात सुनते ही सभी मॉन्स्टर कहते हैं कि ये क्या बात हुई, हम इस डिसीजन पर एग्री नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कोने में बैठा एक ब्लैक नकाबपोश मॉन्स्टर जेन के अंदर आकर समा जाता है। तो जेन, जो कि नशे में पड़ी होती है, वो उठ खड़ी होती है और कहती है कि ये स्क्रीन 800 सालों पुरानी है, इसलिए मैं इस पर कुछ ड्रॉ करना चाहती हूँ। इस पर वो लेडी उसे ड्रॉ करने की परमिशन दे देती हैं। तो जेन उड़कर स्क्रीन के पास जाती है और वो हाथ बढ़ाती है, तो एक मैजिकल ब्रश उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो स्क्रीन पर पड़ा कवर हटाती है और उस स्क्रीन पर तीन फॉक्स को ड्रॉ करती है। फॉक्सेस को ड्रॉ करते ही वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी से निकल पड़ता है, पर वो स्क्रीन ब्राइट हो जाती है। तो वो लेडी कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्क्रीन की मास्टर एक लड़की होगी। इस पर सारे मॉन्स्टर उस स्क्रीन पर झपट पड़ते हैं। जेन डर के मारे वहां से भागने लगती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे होश आता है, तो वो कमरे में बेड पर सोई हुई होती है। वो उठते ही खुद को मिरर में देखती है और कहती है कि थैंक गॉड ये एक ड्रीम था। पर तभी वहाँ एक लड़का आता है और कहता है कि मास्टर आपको होश आ गया। इस पर जेन उसे डरते हुए पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो उसे बताता है कि मेरा नाम बाई सेंग है, मैं वही फॉक्स हूँ जिसे आपने रात में ड्रॉ किया था। तभी वो वहाँ एक और बंदे को देखती है। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो, देखने में तो काफी ठीक ठाक लग रहे हो। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो भी एक मॉन्स्टर ही है। वो बंदा गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है, तभी बाई सेंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम मास्टर को मत डराओ। फिर वो जेन से कहता है कि आप इसे मत डरिए, ये यू यान है, ये अपने क्लाइंट का किंग है, इसलिए थोड़ा एरोगेंट है, पर ये दिल का बहुत अच्छा है। तभी जेन बाई सेंग से उस स्क्रीन के बारे में पूछती है, तो बाई सेंग उसे बैकयार्ड में रखी स्क्रीन को दिखाता है। वो स्क्रीन को देखती है तो उसमें तीन फॉक्सेज होते हैं। तभी वो ऊपर उठते हुए एक और बंदे को देखती है, जो कि तीसरा फॉक्स होता है। वो उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके पैर नहीं होते। फिर वो बाईसेंग से कहती है कि क्या तुम लोग इस स्क्रीन से निकले हो, तो बाईसेंग बताता है कि हाँ।
हम इस स्क्रीन और इस ब्रश में ट्रैप कर दिए गए थे, पर लास्ट नाइट आपने हमें स्क्रीन पर ड्रॉ करके हमें आजाद कर दिया। इसलिए अब 10 सालों तक हमारा आपसे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और हम 10 सालों तक आपके गुलाम रहेंगे। आप हमसे जो भी करने के लिए कहेंगी हम वो आपके लिए करेंगे। आप हमारी और इस स्क्रीन की मास्टर हैं। ये स्क्रीन मास्टर्स को पकड़ने का सबसे बेहतरीन वेपन है। तभी यू यान गुस्से से कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर जेन कहती है कि मुझे नहीं पता इसे किस तरह से खत्म करेंगे। इस पर यू यान उसे गला पकड़ लेता है तो इस पर वो ऑटोमेटिकली ही स्क्रीन से बच जाता है। वो बाई सेइंग से खुद को छुड़ाने के लिए कहता है। इस पर बाई सेइंग जेन से यू यान को छोड़ देने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप स्क्रीन की मास्टर हैं, अगर आप उसे ऑर्डर देंगी तो वो यू यान को छोड़ देगी। तभी वहाँ वही बीच आती है जो लास्ट नाइट छुप कर सब कुछ देख रही थी। बाई सेइंग पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो कहती है कि अगर मैं इस लड़की को मार दूंगी तो इस स्क्रीन की और तुम्हारी नई मास्टर बन जाऊंगी। इस पर बाई सेइंग और उस विच में जमकर फाइट होती है। वो विच बाई सेइंग पर भारी पड़ रही होती है। इस पर यू यान जेन से खुद को छुड़ाने के लिए कहता है तो जेन उसे छुड़ा देती है। तो वो उस विच का मुकाबला करता है और उसे हरा देता है। वो विच वहाँ से भाग जाती है। यू यान इस फाइट में जख्मी हुआ होता है। इस पर बाई सेइंग उसे अंदर चलकर बैंडेज लगवाने के लिए कहता है तो यू यान उसे मना कर देता है। पर तभी वहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर उस स्क्रीन को लेने के लिए पहुँच जाते हैं जिसे देखकर जेन बहुत डर जाती है। यू यान उन सभी का अकेले मुकाबला करने लगता है। इस पर बाई सेइंग जेन से कहता है कि इस स्क्रीन में ये सारे मॉन्स्टर कैप्चर हो सकते हैं, बस इसे ऑर्डर दे दो। तो जेन उसे पूछती है कि मैं इसे क्या कहूँ। तो बाई सेइंग कहता है कि जो मैं कहूँ तुम बस उसे रिपीट करो। इस पर जेन वैसा ही करती है तो सच में सारे मॉन्स्टर्स उस स्क्रीन में कैप्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाई सेइंग यू यान के जख्मों पर दवा लगा रहा होता है। तभी वहाँ जेन आती है और वो उनसे कहती है कि क्या सच में तुम सभी उस स्क्रीन में से निकले हो। इस पर यू यान गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है। मैं 99 साल 364 दिन उस ब्रश में था। एक दिन, बस एक दिन बाद मैं आजाद होने वाला था, पर तुम आ गई और मैं दोबारा 10 सालों के लिए स्लेव बन गया। इस पर बाई सेइंग कहता है कि ये सब कुछ होना हमारी किस्मत में लिखा था, इसे कौन टाल सकता है। फिर वो जेन से पूछता है कि मास्टर आपको कुछ चाहिए। इस पर जेन कहती है कि पहले तो तुम मुझे मास्टर मत कहो, ये काफी अजीब लग रहा है, तुम मुझे जेन कहो। फिर वह उन सभी को बाहर खाना खाने के लिए चलने के लिए कहती है। इस पर वो तीसरे फॉक्स को देखती है जिसका नाम ब्लैक होता है और कहती है कि तुम्हारे पास तो पैर ही नहीं है, तुम इंसानों के बीच कैसे जाओगे। इस पर बाई सेइंग अपने मैजिक से उसे पैर प्रोवाइड करता है पर वो पैर ठीक से काम नहीं कर रहे होते। तो यू यान अपने मैजिक से उन पैरों को ठीक करता है तो इस पर ब्लैक खुश हो जाता है। जेन सभी को साथ चलने के लिए कहती है पर यू यान एग्री नहीं होता, पर सभी मिलकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।